नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरुवाचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्तु। यक्षों का वर्णन था और नागकुमारों का वर्णन था चामर प्रातिहार्य में। भगवान के एक तरफ यक्ष यक्षियां होती हैं और दूसरी तरफ नागकुमार और नागकुमारियां होती हैं, और एक एक चंवर को वो जोड़े में पकड़ते हैं। देवी बायां हाथ लगाएगी, देव दाहिना हाथ लगेगा। ऐसी प्रतिमाएं अभी हैं नंदीश्वर द्वीप आदि में, उसका वर्णन त्रिलोकसार ग्रंथ में आया है। तो चूंकि भगवान जिनेन्द्र के 64 चंवर होते हैं और एक एक चंवर को जोड़े में पकड़ा जाता है, तो सीधी सी बात है कि भगवान के एक तरफ 32 जोड़े होंगे, दूसरी तरफ 32 जोड़े होंगे, तो 32 और 32 64 होंगे। अब 64 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब तो जोड़े का गणित जुड़ेगा, तो 128 की संख्या रहती उनकी। और ये वर्णन अकृत्रिम चैत्यालयों का है, तो वो अकृत्रिम चैत्यालयों में एक और सरिसी ये पंक्ति है, जैसे यहाँ की पंक्ति है वैसे यहाँ की पंक्ति है, तो दोनों सदृश पंक्ति में चंवर पकड़ करके उस मुद्रा में रहते हैं। समावसरण में तो वो ढोलते भी हैं, वहाँ तो रत्नों की मूर्ति है, तो रत्नों की मूर्ति तो जड़ है, अचेतन है, तो उनमें तो कोई हलचली हो नहीं सकती, लेकिन केवल दर्शक को लगता है कि ऐसे चंवर समावसरण में होते हैं। लेकिन समावसरण के चमरों का वर्णन अपन ने पढ़ा था कि वो देव और देवियां ऐसे नीचे करते हैं, पहले स्वामिन सुदूर मवनम्य समुत्पतन्तो, अपन पढ़ चुके हैं, एकदम बहुत दूर तक के नीचे झुकाते हैं, फिर ऊपर करते हैं, फिर नीचे करते हैं, फिर ऊपर करते हैं। इसको उठा लीजिए। तो कुमुद चंद्र आचार्य महाराज ने पार्श्वनाथ प्रभु से कहा है कि हे स्वामी, मुझे लगता है कि ये चंवर कुछ बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि जो इन मुनि पुंगवों के लिए नमस्कार करेगा वो शुद्ध भाव को प्राप्त होकर ऊर्ध्व गति को प्राप्त करेगा। यानी यहां झुकने वाले ऊर्ध्वगामी होते हैं, तिर्यकगामी और अधोगामी नहीं, ऊर्ध्वगामी। या तो देवगति होगी, या फिर अगर मोक्ष मार्ग की साधना पूर्ण हो जाए तो फिर सिद्धि गति भी हो सकती है। अकृत्रिम चैत्यालय में प्रतिमाएं कैसी होती है उसका भी बहुत अच्छा वर्णन है, लेकिन वो अपन जिन बिंब के प्रकरण में, नव देवताओं में जहाँ पर जिन प्रतिमा आएगी ना, वहाँ पर अपन देख सकते हैं। अभी केवल इतना ध्यान में रखना है कि वो जो यक्ष यक्षी का वर्णन था वो रत्नमयी प्रतिमा के रूप में था। समोसरण में तो असली यक्ष यक्षी और नागकुमार नागकुमारियाँ होती हैं, और यक्ष यक्षी व्यंतर श्रेणी के हैं, नागकुमार नागकुमारियां भवनवासी देवों में आते हैं। दोनों को मौका मिल रहा है,